आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मुकाइडो सर अभी भी प्लान बना रहे होते हैं कि वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं कनादे को। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया उस लड़की को जो कि इंटीमेट हो रही होती है दूसरी हाई स्कूलर गर्ल के साथ। मेट्रोपॉलीमैन की एंट्री वहीं पर हो जाती है। मेट्रोपॉलीमैन के आ जाते ही वो उसके गले लग जाती है और मेट्रोपॉलीमैन कहता है जल्द से जल्द ये सारे काम ख़त्म करो। जहाँ पे वो लड़की नाइफ निकालती है, दूसरी तरफ ये सभी लोगों को पता चल चुका था कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये दूसरों को अपने जाल में फंसा कर अपने साथ इंटीमेट होने के लिए मजबूर कर ती है। दूसरी तरफ मुकाइडो सर ने एक सिचुएशन में डाल दिया, अगर हमारे काकाशी के साथ ऐसा होता तो क्या हो। यहाँ पास से दिखाया गया मिस्टर मुकाइडो सर को जो कि वहाँ से निकल जाते हैं और अगली सुबह अपनी फैमिली के साथ नाश्ता वहाँ पे जो न्यूज़ देख रहे होते हैं मिस्टर मुकाइडो। इस न्यूज़ को देखते ही वो तुरंत अपने बैग को पैक करते हैं जिसके अंदर गन्स और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। और दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाया गया जो कि सभी के सभी पुलिस वालों को अपने कब्जे में कर लेती है बाय ऑर्डर ऑफ कनादे। यहाँ पर हमें दिखाया गया उन सभी लोगों को जो कि मेट्रोपॉलीमैन सूट पहन के बिल्कुल रेडी होते हैं कि मेट्रोपॉलीमैन को आज वो लोग ख़त्म कर देंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया उस लड़की को जो कि इसके अंदर बॉम्ब प्लांट होता है और वो लड़की वहीं पर फट जाती है क्योंकि हमारे कनादे ने बटन प्रेस कर दिया होता है। और इस चीज़ को काकेहाशी भी देखता है। और अब आगे एपिसोड नंबर 7। मुकाइडो जब टावर के ऊपर खड़ा होता है और उसे जब तक में एहसास होता है कि यहाँ पे बम ऑलरेडी प्लांटेड है और तब तक में कनादे उस बटन को प्रेस कर देता है जिससे वो पूरा का पूरा टावर फट जाता है। सभी लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं जहाँ पे भी ब्लास्ट हुआ था और लोगों को लगता है ये एक टेररिस्ट अटैक है। तभी लोगों के बीच में एक भगदड़ सी मच जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है काकेहाशी को जो कि देखता है कि मिस्टर मुकाइडो अब नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो उन्हें बचाने के लिए वो बहुत स्पीड से जाता है और एक बिल्डिंग के ऊपर लैंड करते हैं। मिस्टर मुकाइडो कई बार बोलने पर भी दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। काकेहाशी अपसेट सा हो जाता है, उसे लगता है कि अब मिस्टर मुकाइडो नहीं रहे। मिस्टर मुकाइडो उसकी बातों का रिप्लाई देते हैं और कहते हैं अपने वाइट एरो को बचा के रखना, जिसके बाद अब काकेहाशी भी राहत की सांस लेता है। मिस्टर मुकाइडो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब काकेहाशी के पीछे खड़ा होता है मेट्रोपॉलीमैन। और जब तक वो आगाह करते हैं मेट्रोपॉलीमैन बिल्कुल रेडी होता है अपने वाइट एरो के साथ, जिस पर हमारा काकेहाशी कहता है तुम लोगों को कैसे मार देते हो, उस बच्ची को तुमने कैसे ख़त्म कर दिया जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए काम कर रही थी। पॉलीमैन इस बात का रिप्लाई देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ज़िंदगी से ज़्यादा प्रीशियस क्या होगा, मुझे सिर्फ गॉड बनना पसंद है और मैं सही चूज़ कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से कुछ लोगों की जान अगर चली भी जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे हमारा मिस्टर मुकाइडो कहते सिर्फ कुछ लोग के चक्कर में तुम बहुत कुछ खो रहे हो, तुम अगर गॉड कैंडिडेट नहीं बन पाए तो क्या होगा। दूसरी तरफ सभी के सभी एंजल्स भी इस बात को समझ रहे होते हैं कि उस गर्ल को नहीं ख़त्म करना चाहिए था। यहाँ पास से हमारा काकेहाशी अपनी फैमिली के उस फ्लैशबैक को याद करता है, कहता है अपने परिवार को खोना क्या होता है, मुझे इसका दर्द समझ में आता है, मुझे पता है उसका दर्द, तुम इस बात को कभी नहीं समझोगे। दूसरी तरफ यानी कि मेट्रोपॉलीमैन बताता है कि उसने भी अपने फैमिली मेम्बर्स में से एक लड़की को खोया है जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इस बात का एहसास उसे हमेशा है, लेकिन अब वो गॉड बनेगा और उस लड़की को वापस से ज़िंदा करेगा। यहाँ पास से एक चीज़ का मोटिवेशन तो क्लियर हो चुका है कि ये बंदा सिर्फ एक लड़की की वजह से वाप गॉड बनना चाहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया मीडिया वालों को जो कि इस न्यूज़ को कवर की इस न्यूज़ को देखती है और जहाँ पर उसे नैसी हाई करते हुए दिखती है। अब यहाँ पर इनका माइंड पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि मिस्टर मुकाइडो और काकेहाशी को ख़त्म करना है, बिना इनके वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए उन्होंने जो भी प्लान किया है वो अब बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा।
तुम दोनों अब यहीं पे मरोगे। इस बात का खुलासा मेट्रोपॉलिमन अपनी जबान से करता है और अपने पीछे मेज को खड़ा करता है, जिससे काके आशी का कोई नया सदस्य आकर उस पर हमला न कर दे। वाइट एरो यानी कि स्पेशल रैंक कैंडिडेट होने की वजह से वाइट एरो भी मेट्रोपॉलिमन की मेज एक स्पेशल रैंक कैंडिडेट एंजल है। साथ ही साथ मेट्रोपॉलिमन को दिखाया गया है जो कि इस बात को समझ चुका था कि नैसी अगर मिस्टर मोकाइडो के पीछे खड़ी है, यानी कि ये भी एक स्पेशल रैंक कैंडिडेट है, और बैरेट अगर हमारे आशी के पीछे अगर खड़ी है, यानी कि वो रेड एरो यूज़र है, वो एक नॉर्मल कैंडिडेट है जिसके पास वाइट एरो नहीं है। यहाँ पास से हमें दिखाया गया है मेट्रोपॉलिमन को, जो कि ये बताता है कि उसके पास उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉम्ब प्लांट करके रखे हैं पूरे जापान में। अगर वो सामने नहीं आता है तो वो पूरे जापान को ही उड़ा देगा। अगर गॉड कैंडिडेट बनने के लिए उसे ये भी करना चाहे पड़े तो वो ये भी करेगा। इस बात को सुनते ही काकेयाशी पूरी तरह से ब्लैकआउट होने लगता है। दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिमन को दिखाया गया है उस रिमोट को, जहाँ पे मिस्टर मोकाइडो स्माइल देते हुए कहते हैं ये ब्लफ कर रहा है, यानी कि ये मजाक कर रहा है हमारे साथ, इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। ठीक पूछता है नैसी, मेट्रोपॉलिमन झूठ कह रहा है ना, तुम्हें क्या लगता है? यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि जो नैसी है वो लोगों के फेस और बाकी चीज़ों को देखते हुए ये बता सकती है कि वो सच कह रहा है या झूठ। जहाँ पे मेट्रोपॉलिमन उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने ही वाला होता है, जिस बात से देखते हुए अब मिस्टर मोकाइडो सामने आ जाता है और कहता है कि अगर हमारी जान चली जाए तो चली जाए, लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। न्यूज़ वाले अब कवर अप कर रहे होते हैं इस चीज़ को, जहाँ पे हमारी मीरा साकी भी इस न्यूज़ को देख रही होती है कि ग्रैंड टावर एक्सप्लोड हो चुका है। यहाँ पे मेट्रोपॉलिमन को सभी लोग अभी भी अच्छा समझ रहे होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए कि नैसी अब हमारे मोकाइडो के पीछे खड़ी है, यानी कि ये स्पेशल रैंक कैंडिडेट है, इसीलिए वो सबसे पहले मिस्टर मोकाइडो को ख़त्म करना चाहता है। इस चीज़ को देखते हुए मिस्टर मोकाइडो सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट मत करना, यू विल शूट द रेड। आशी इन सभी लोगों की याद करता है जो मेट्रोपॉलिमन के हाथों मारे गए थे, जिसके बाद हमें दिखाया गया मेट्रोपॉलिमन को जो कि अपने वाइट एरो का इस्तेमाल करता है हमारे मिस्टर मोकाइडो के खिलाफ। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया काकेयाशी को जो कि अपने एरो से उस एरो को डिफ्लेक्ट कर देता है, जहाँ पे दोनों के एरो एक दूसरे के पास पहुँचते हैं। और ये भी एक नया रूल था कि अगर कोई भी एरो दूसरे एरो से टकराएगा तो मरने वाले की मौत का समय थोड़ा सा चेंज हो सकता है। इस चीज़ को बैरेट भी नहीं जानती थी, और इस चीज़ को जानने के बाद सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि अभी भी बचाया जा सकता है हमारे मिस्टर मोकाइडो को। साथ ही साथ ये सभी लोग बातें करते हैं, तो इस बात को देखते हुए कि हमारा जो काकेयाशी है अब रोड़ा बन रहा होता है मेट्रोपॉलिमन के रास्ते, इसलिए अब ये लोग आपस में ही फाइट करने लगते हैं, जिससे इस मैच को जीत सके और इन दोनों को ख़त्म करते हुए वो गॉड कैंडिडेट की राह में आगे बढ़े। इस बात का खुलासा अब इस चीज़ से हो चुका है कि वो कैसे भी करके काकेयाशी को मारना चाहता है, इसलिए वो उसके एरो के साथ और उसके साथ बहुत ज़बरदस्त वाली फाइटिंग करता है। गाइस मैं बहुत सारे फाइटिंग सीन्स को कट कर चुका हूँ, तो अगर आपको फील बस आ रहा हो तो आप लोग इन्जॉय करना इस वीडियो को। साथ ही साथ दिखाया गया है काकेयाशी को जो कि किसी भी तरह से हमारे मेट्रोपॉलिमन के सामने खड़ा हो जाता है, बचाते हुए हमारे मिस्टर मोकाइडो को। इस चीज़ को देखते हुए कि वो वेल स्किल्ड हो चुका है अभी, और इसलिए अब मिस्टर मोकाइडो को हराना, काकेयाशी को हराना बिल्कुल नामुमकिन सा है। दिखाया जाता है कि मिस्टर मोकाइडो सामने खड़े होते हैं और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, तो वो जल्द से जल्द पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, जिससे अब वो मेट्रोपॉलिमन को ख़त्म कर सकें और उसके ऊपर बहुत सारे गन्स फायर कर देते हैं। उसका मेट्रोपॉलिमन सूट वहीं पे फट जाता है। दूसरी तरफ दिखाया गया काकेयाशी को जो कि अपने रेड एरो के साथ आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो जब फेस देखता है मेट्रोपॉलिमन का तो वो वहीं पर रुक जाता है। ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी जो कि काकेयाशी ने अपने हाथों से जाने दी, और यहाँ पास से मिस्टर का मेट्रोपॉलिमन वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ रिवील कर देता है हमारा काकेयाशी कि मैंने उसका फेस देखा, यानी कि मेट्रोपॉलिमन का फेस देखा। पूरे न्यूज़ में बात फैल जाती है कि मिस्टर मेट्रोपॉलिमन भाग चुके हैं, पूरी बिल्कुल जैसे जिनबो स्टेडियम में बात हुई थी सेम वैसा ही। यहाँ पर सभी लोग गायब हो चुके थे, और ये दोनों बंदे यानी कि काकेयाशी और मिस्टर मोकाइडो भी पहुँच जाते हैं।
ये कॉम्बैट बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। इसलिए दोनों ही अब जल्द से जल्द साकी के घर में पहुंचने के बाद इस फाइट के बारे में बताते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि हमारा जो मिकाकेहाशी है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है कि उसने मेट्रोपॉलीमैन को शूट नहीं किया, जबकि उसके हाथ और मौका दोनों चीज़ थी, यानी कि रेड एरो प्लस अपॉर्चुनिटी दोनों ही चीज़ें थी। यहाँ पर मैं बता दूँ कि हमारा जो मेन कैरेक्टर काकेहाशी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वो लोगों को मारने में हिचकता है, भले ही लोग उसके साथ कितना ही बुरा क्यों ना कर दें, जैसे कि उसके अंकल आंटी ने उसके ऊपर एमपेन क्यों नहीं गिरा दी हो, और लोग उसे भले ही कितना ज़्यादा बुली क्यों ना करते हों, लेकिन वो उन लोगों को मारने और हर्ट करना कभी भी नहीं चाहता है, इसीलिए वो उन्हें नहीं ख़त्म करेगा। ये मेरी एक वीकनेस है या स्ट्रेंथ मुझे खुद नहीं पता, मैं लोगों को अटैक करके उन्हें मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही वो मुझे कितनी भी हानि पहुँचा ही क्यों न दें। दूसरी तरफ वो याद करता है उन सभी बच्चों को जो कि कम्प्लीटली के हार्ड वर्क कर रहे होते हैं अपने आइडल के लिए, अपनी फैमिली के साथ रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक मैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बदनसीब हूँ, जो कि इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ कि मेरे हाथ में उन सभी की जान बचाने की एक चांस था। तो सिर्फ इतना ही कहते हैं एग्जैक्टली हम विक्टिम्स हैं, हमें उसे ख़त्म करना होगा, तभी लोगों को खुशी मिलेगी, टू बी हैप्पी। इस बात को सुनते ही एंजल नैसी उसे बताना चालू करती है, जिसके बाद यहाँ पर काकेहाशी कहता है मुझे पता है कि मेरे पास विंग्स और एरो दोनों ही चीज़ें हैं, और अब तो मेरे साथ साकी भी है, तो मैं एक एक तरह से हेवन की तरफ जा रहा हूँ हेल से। ये एक हैप्पीनेस है क्या? ये एक्चुअल हैप्पीनेस है? ये क्या है? मैं क्या रियलिटी में उन सभी लोगों को फिर से बचा पाऊँगा जिसे कभी न कभी मेट्रोपॉलीमैन ने ख़त्म किया है? क्या मैं गॉड कैंडिडेट बन के उन सभी लोगों को ज़िंदा कर पाऊँगा? मेट्रोपॉलीमैन को मारना क्या ज़रूरी है? उन सभी लोगों की लाशों को, उस छोटी बच्ची की लाश को जिसे मैंने देखा अपनी आंखों से, इन सभी को देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार सा महसूस कर रहा हूँ। काकेहाशी इन सभी बातों को अपने ऊपर ही ला रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया गया मेट्रोपॉलीमैन को जो कि एक डॉक्टर के सामने बैठा होता है और बात कर रहा होता है कि उस बंदे ने मेरा फेस देख लिया। यहाँ पर मैं समझ में आता है कि डॉक्टर के ऊपर रेड एरो का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे जो भी उसके बुलेट्स उसके आर्मर में घुसे थे उसे निकाला गया। एक चीज़ तो कंफर्म है कि मेट्रोपॉलीमैन जो सूट पहनता है वो बुलेट प्रूफ है, मतलब उसे बुलेट से नहीं मारा जा सकता। अगले दिन हमें दिखाया गया है साकी और उसकी फ्रेंड को जो कि बात कर रही होती है उस कल के इंसिडेंट को। यहाँ पास से दिखाया गया काकेहाशी को जिससे वो लड़की डर रही होती है, और वो कहती है क्या तुम्हें हमें उनसे बातें करनी चाहिए, जिस पर साकी मना कर देती है, जिस पर वो पूछती है क्या तुम उसे डेट कर रही हो, यानी काकेहाशी को तुम डेट कर रही हो क्या, जिस पर साकी उसे मना कर देती है ये कहते हुए कि नहीं मैं उसे डेट नहीं कर रही हूँ, जिस पर अब हमें दिखाया गया काकेहाशी को जो कि दूर खड़ा इन सभी बातों को सुन रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा कल के हादसे से अपसेट होता है और आज इन सभी बातों से। अगले एपिसोड में क्या होने वाला है ये देखने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो यार जल्द से जल्द जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जाके फॉलो कर लो, और हाँ अमेज़ॉन से अगर प्रोडक्ट लेने में आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे दी गई है, वहाँ से जाके आप परचेस कर